हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम, जिसे आप बोल सकते हैं धारावाही चालक के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले लेक्चर में आपको ऑल स्टेट का प्रयोग बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए जो है बायो और सेवर्ट, यहाँ पर ये अलग अलग वैज्ञानिक के नाम हैं, एक बायो और दूसरा सेवर्ट। तो इन दोनों लोगों ने जो है धारावाही चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए जो है कई सारे प्रयोग किए, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर किसी चालक के किसी एक छोटे से भाग के कारण हम लोग किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो वो तीव्रता जो है कई बिंदुओं पर निर्भर करती है। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक धारावाही चालक लिया गया है, इस प्रकार से ये यहाँ पर एक धारावाही चालक है। इस चालक में जो है आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो ये एक धारावाही चालक है जिसमें जो है आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक का एक हम लोग अल्प भाग लेंगे, जिसे हम लोग अल्पांश बोलते हैं। तो इस चालक का एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अल्पांश। इसे लिखा जाता है डी एल से, तो ये हो जाएगा अल्पांश। अब इस अल्पांश के मध्य बिंदु से जो हम लोग आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे पी, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु पी, इसकी दूरी ये हो जाएगी आर। तो इस बिंदु पर जो हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी क्षेत्र में ये एक बिंदु लिया गया पी, तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कई बातों पर निर्भर करती है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये क्रॉस का चिन्ह बनाया गया है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर आप यही बिंदु इस तरफ लेते, बिंदु P जो है आप अगर इस तरफ लें तो फिर यहाँ पर हम लोग जो चिन्ह बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। इसका मतलब होता है यहाँ पर कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इस चिन्ह से याद रखिएगा, कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर जो है कागज के तल के लंबवत जो है ऊर्ध्वाधर है चुंबकीय क्षेत्र, ये आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये धारावाही चालक लिया गया है, इसमें जो है आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। इस पर एक अल्पांश लिया गया है डीएल, इसके अलावा इस अल्पांश से जो है आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है। इसी बिंदु पी पर जो है हम लोगों को धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो इस धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो तीव्रता इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करती है, इसके अलावा इस अल्पांश पर निर्भर करेगी, इसके अलावा यहाँ से जो है इसकी दूरी पर निर्भर करेगी, और इसके अलावा इस बिंदु P और इसके अलावा जो ये धारावाही चालक था इसके बीच का जो ये कोण है, इस कोण पर भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करेगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यही लिखना है, आप इसमें बताएंगे कि माना किसी धारावाही चालक में आई प्रबलता की विद्युत धारा जो है प्रवाहित की जा रही है, इस पर जो है एक अल्पांश डीएल लिया गया है, और इस अल्पांश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। इतना आपको यहाँ पर बताना है सबसे पहले। इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अल्पांश डीएल, यहाँ पर लिखेंगे आप अल्पांश डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखते हैं डी बी से, जो है अग्रलिखित तथ्यों पर, अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ये बताया गया कि जो ये अल्पांश डीएल लिया गया था इसके कारण जो है बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यानी कि डी बी, ये जो है अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिए किन किन तथ्यों पर निर्भर करेगी। एक तो आपको बताया गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो धारा पर निर्भर करती है, इसका मतलब इससे आप यहाँ पर लिखेंगे डी बी
प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक तो ये हो गया यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है यहाँ पर वो इस अल्पांश पर भी निर्भर करेगी, यानी कि डी बी प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर हो जाएगा डी एल। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है इस अल्पांश पर भी निर्भर कर रही है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर दो। इसके बाद ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्पांश से बिंदु पी की जो दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पर जो दूरी होगी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर तीन। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर चौथा, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वहाँ पर इसके बीच का जो कोण है इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या का मतलब यहाँ पर साइन से है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर चार। तो ये जो चारों पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ पर, ये जो है बायो और सेवर्ट ने अपने प्रयोग में बताए थे। इन्होंने बताया था कि जब भी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी बिंदु पर अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस धारावाही चालक के कारण जो है कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो धारा पर निर्भर करेगी। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश डीएल पर निर्भर करेगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी पर, यानी कि जो बीच की दूरी होगी यहाँ पर इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पर इनके बीच का जो कोण है इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे चारों समीकरणों को संयुक्त करने पर ध्यान दीजिए, चारों समीकरणों को यहाँ पर संयुक्त करना है, जोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, संयुक्त करके लिखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एलएचएस साइड में सब में डी बी दिया गया है, तो इसे लिखेंगे आप डी बी प्रोपोर्शनल टू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखना है आपको आई, इसके बाद हो जाएगा डी एल, इसके बाद हो जाएगा साइन थीटा और बटे में आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चारों समीकरण जो है इन्हें आपको संयुक्त करके लिख देना है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि चारों समीकरणों को जो है संयुक्त करने पर, यानी कि इन्हें जो है मिला के लिखना है, आपको जोड़ना नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही यहाँ पर हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा और बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो समीकरण आया है यही समीकरण जो है बायो सेवर्ट नियम कहलाता है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि यह संबंध बायो सेवर्ट नियम कहलाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो चिन्ह लगा है ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा है। जब इसे हटाएंगे यहाँ पर तो एक नियतांक लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा डी बी बराबर, जब इसे यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाएगा म्यू नॉट बटे 4π। अब ये निशान हट गया, यहाँ पर बराबर लग गया और ये एक नियतांक आ गया। इसके बाद हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इस प्रकार ये यहाँ पर जो है इतना आ जाएगा। अब इसमें आप बता सकते हैं कि जहाँ म्यू नॉट बटे 4π एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो ये यहाँ पर जो है एक नियतांक हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा यहाँ पर कि जो म्यू नॉट है इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात या फिर वायु, याद रखिएगा, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। इससे आप बताएंगे वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसके अलावा म्यू नॉट इससे बोलेंगे वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो म्यू नॉट बटे 4π है इसका मान होता है 10 की घात -7। याद रखिएगा
10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इसका मान है। अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये मान दिया गया है, अगर इसकी जगह पे आप ये प्रयोग कर दें तो इसी सूत्र को आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि डी बी बराबर, इसकी जगह पे आप ये लिख दीजिए, यानी कि 10 की घात माइनस 7, इसके बाद फिर आगे हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है इतना आ जाएगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की बात करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद रखिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके अलावा जो है होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा होता है टेस्ला। तो ये सभी यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और तीसरा यहाँ पर है टेस्ला। तो ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आया था म्यू नॉट, जिसे हम लोग बोलते हैं वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। तो हम लोग यहाँ पर इसका मात्रक ज्ञात करेंगे, तो पहले इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, म्यू नॉट जिसे हम लोग बोलते हैं वायु निर्वात की चुंबकशीलता के मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो अब इसके मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए मात्रक। इसका मात्रक याद रखिएगा, मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग न्यूटन को चेंज करें तो न्यूटन को आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, न्यूटन बल का मात्रक होता है। ध्यान दीजिए, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक लिखते हैं हम लोग किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर हम लोग न्यूटन को चेंज करेंगे तो न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम, इसके अलावा मीटर और फिर यहाँ पर सेकंड की पावर माइनस टू। तो इस प्रकार ये न्यूटन चेंज हो जाएगा। इसके बाद बट्टे में यहाँ पर आप लिखेंगे एम्पियर स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं किलोग्राम, इसके बाद हो जाएगा मीटर, इसके बाद हो जाएगा सेकंड की पावर माइनस टू और ये यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर की पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस टू। तो ये यहाँ पर आ गया इसका मात्रक। तो इस मात्रक की सहायता से आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे विमीय सूत्र, क्योंकि ये जो मात्रक आया इसे विमीय मात्रक आप बोल सकते हैं। याद रखिएगा, इससे आप बोल सकते हैं विमीय मात्रक। तो इसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर विमीय सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, इसका हो जाएगा एम, मीटर इसका हो जाएगा एल, समय इसका हो जाएगा टी की पावर माइनस टू, एम्पियर इसका हो जाएगा ए की पावर माइनस टू। तो इस प्रकार ये जो आया है ये म्यू नॉट यानी कि चुंबकशीलता का जो विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये जो है इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसके पहले जब आपको विद्युत पढ़ाया जा रहा था तो उसमें एक पढ़ाया गया था आपको एप्सिलॉन नॉट, जिससे हम लोग बोलते थे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। याद रखिएगा, इसे बोला जाता था वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और अब जो पढ़ाया गया आपको म्यू नॉट, इसे हम लोग बोलते हैं वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता।
तो इन दोनों में क्या संबंध है, ये भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, यानी कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। तो अब इससे पहले हम लोग मिटा देते हैं, फिर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। म्यू नॉट यानी कि इसे बोलेंगे वायु निर्वात की चुंबकशीलता, और इसे बोलते हैं विद्युतशीलता। तो यहाँ पर वायु निर्वात की चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, यानी कि आपको बताया गया है कि म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर होता है 10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपको बताया गया है कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इसके अलावा दूसरा ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। याद रखिएगा, ये है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इतना हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण एक और इसको मान लेते हैं समीकरण दो। अब समीकरण एक को जो है समीकरण दो से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण एक को समीकरण दो से भाग करने पर, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, इससे भाग करेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टे में आ जाएगा 1, यहाँ पर बराबर में हो जाएगा 10^-7 बट्टे में हो जाएगा 9×10^9, यहाँ पर ध्यान दीजिए न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये पलट के ऊपर जाएगा तो कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बट्टे में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट और इसके बाद ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 10^7 दिया गया है 7, अगर इसे हम लोग बट्टे में ले आए तो यहाँ ऊपर बचेगा 1 और बट्टे में अब हो जाएगा 9×10^16। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया था 7, जब ये बट्टे में आएगा तो +7 हो जाएगा और 9 में ये वाले 7 जुड़ जाएंगे तो 9 और 7 मिलके हो जाएगा 16। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर कूलाम स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं कूलाम एम्पियर मीटर का होल स्क्वायर। इतना हो गया। इसके बाद म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा 1/, इसे ध्यान दीजिए 9×10^16 लिखा है, इसे आप लिख दीजिए 3×10^8 का होल स्क्वायर, वर्क करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 3×3 9 हो जाएगा और 8×2 16 हो जाएगी घात। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर है कूलाम, कूलाम को आप लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, याद रखिएगा कूलाम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड और बट्टे में दिया गया है एम्पियर मीटर का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, यहाँ पर हो जाएगा 3×10^8 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें जो है एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये बचा सेकेंड और यहाँ पर ये हो जाएगा मीटर का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, इसे आप इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/, यहाँ पर 3×10^8 का होल स्क्वायर इंटू, इससे ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए अभी तक ये सेकंड प्रति मीटर था, जब इसे आप बट्टे में लिख देंगे आके तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पलट के कहाँ पर जाएगा ऊपर, अगर आप इसे पलट के ऊपर ले जाएंगे तो यही बन जाएगा, यानी कि सेकंड प्रति मीटर, तो इसे आप क्या लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब इससे आप लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, इसे लिखेंगे 3×10^8 इसके बाद मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा था यहाँ भी स्क्वायर लगा था, तो इस प्रकार पूरा होल स्क्वायर लिख दीजिए। इसके बाद म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, ध्यान दीजिए ये प्रकाश की चाल का मान होता है, यानी कि प्रकाश की चाल का मान होता है 3×10^8 मीटर पर सेकंड और प्रकाश की चाल को हम लोग लिखते हैं स्मॉल सी से, इसे लिखा जाता है स्मॉल सी से, तो यहाँ पर ये लग जाएगा स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आ गया म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c².
अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसे इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर 1/μ0 ε0। यहाँ से आप सी ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√μ0 इसके बाद ε0। तो इस प्रकार जो है आप μ0 और ε0 में जो है संबंध ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में ये संबंध होता है। सी याद रखेगा यहाँ पर प्रकाश की चाल है, यहाँ पर आप बताएंगे कि जहाँ सी प्रकाश की चाल, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो कैपिटल सी यूज हुआ है इससे हम लोग बोलेंगे कूलाम, कैपिटल सी का मतलब यहाँ पर कूलाम से है, और स्मॉल सी जो यहाँ पर आई है वो प्रकाश की चाल है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।